हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पोर्शन के क्वेश्चन पेपर। मैं चंद्र प्रकाश आज आपको मैथमेटिक्स में 2019 और 20 जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कुछ इस तरह से कि फंक्शन आर से आर में डिफाइन है और कुछ ऐसे डिफाइन है फंक्शन आपको गिवन है, जब x 1 से छोटा है तो वैल्यू 5 होगी, x 1 और 3 के बीच में तो a प्लस बी एक्स एंड सो ऑन। करना क्या है, ऑप्शन कुछ इस तरह से कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो a का वैल्यू 5 होगा, b का वैल्यू भी 5 होगा, मतलब a और b की वैल्यू हमें पता करनी है ताकि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो, राइट। और कहाँ कहाँ देखिए हम चेक करेंगे इसको, तो यहाँ आ जाओ मेरे साथ। देखो इस तरह के फंक्शन में खास बात क्या है, देखो सारे पार्ट है ना पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, तो हर एक पार्ट अपने आप में कंटिन्यूस है। तो प्रॉब्लम अगर कहीं आ सकती है तो वो उस पॉइंट पे आएगी जहाँ पे दो पॉलिनोमियल एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी हमें इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी चाहिए, 1 पर, 3 पर और 5 पर। ओके, तो चलिए एक एक करके हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स इक्वल टू 1 पर। एक्स इक्वल टू 1 पर देखो क्या होगा, अगर हम एल एच एल निकाले तो एल एच एल यहां से आएगी और ये कितनी है 5, तो एल एच एल हो गया 5। ये बराबर होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू के, वैल्यू भी यहीं से आएगी वो भी 5 है तो बराबर हो गया। ये बराबर होना चाहिए आर एच एल के, आर एच एल आएगा बच्चों यहां से, है ना, जब एक्स ग्रेटर देन 1 है तो इस पोर्शन से आपको आर एच एल मिलेगी। तो 1 पर ये कितना देगा आपको, ए प्लस बी, तो ऐसा अपने को एक इक्वेशन मिल गई कि a प्लस बी का वैल्यू 5 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो अब 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो देखिए 3 पे एल एच एल यहाँ से आएगी और ये कितनी आई, a प्लस 3b, कितना मिला आपको a प्लस 3b, और a पर आर एच एल कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी और यहाँ 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, b प्लस 15। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को तो आपको मिलेगा देखो a प्लस 2b इज इक्वल टू 15, इधर से आ रहा a प्लस b इज इक्वल टू 5। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको उठा के सीधे सीधे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो तो बच्चों b का वैल्यू कितना आएगा, 10। b का वैल्यू 10 है तो a का वैल्यू कितना हो गया, -5। ओके, अभी एक बार और चेक करते हैं, 5 पे और चेक करते हैं। अगर हम 5 पे चेक करें तो 5 पे एल एच एल आएगा देखिए यहाँ से b प्लस 25। ओके, और यहाँ से देखिए x है 5 पे आर एच एल आ रहा बच्चों 30। ओके, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे मिलेगा कि b का वैल्यू तो 5 होना चाहिए। अब ये बात कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गई, देखो उधर से b का वैल्यू कितना आ रहा है, 10। ओके, तो होगा क्या, हम b का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो फंक्शन यहाँ कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा लेकिन 3 पे नहीं होगा, और अगर 3 पे कंटिन्यूस करेंगे उसको तो 5 पे नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है 3 और 5 दोनों में से एक जगह तो पक्का डिसकंटिन्यूस होगा, चाहे आप a और b की वैल्यू कुछ भी क्यों ना ले लो। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, बस लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको तो यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो आप जानते हो जब इस तरह से अंडर रूट है आपके पास बहुत सारे, तो पहला काम हमारा ये है कि हम अंडर रूट को हटाएं। सबसे पहले देखो ये 0/0 फॉर्म है, अगर आप y की जगह 0 पुट करके देखते हो तो अंडर रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन की हेल्प ले लेते हैं और इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। देखो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट वन प्लस वाई पावर 4 प्लस रूट 2 से, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे। ठीक है जी, अब क्या होगा, तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट y टेंस टू 0। सुनना बच्चों ध्यान से, देखो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फंडा लगेगा,
और ये वाला अंडर रूट हट जाएगा और इधर ये 2 बन जाएगा, माइनस आएगा बीच में, तो 1 और 2 कैंसिल आउट होकर बचेगा माइनस 1 और आपको ऐसा मिलेगा कुछ 1 प्लस वाई की पावर 4, इसका अंडर रूट नहीं हटेगा अभी, है ना, हाफ पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई पावर 4 इंटू, नीचे ये भी बचा हुआ है। ये टर्म देखिए, जब आप इसमें वाई टेंस टू 0 पुट करते हैं तो ये टर्म ना तो 0 बन रही है ना इनफाइनाइट बन रही है, तो इस टर्म से हमें कोई परेशानी नहीं है, तो इसकी वैल्यू आप यहीं पे पुट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप लिमिट लगाओगे इसमें, तो ये देखो y टेंस टू 0 पे 1 प्लस 1 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना आएगा 2 रूट 2। ये इधर यहाँ आ जाइए, अब इसका क्या होने वाला है, ये आप देखिए ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स। जब ऐसा लिमिट होता है तो वो एन के बराबर आता है, तो इसकी वैल्यू भी आएगी बच्चों हाफ, तो आपका आंसर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई विद 1 बाई 2 रूट 2, ये रूट 2 है ना, तो आंसर क्या हो गया 1 बाई 4 रूट 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड, अगेन जो है वो सेकेंड आंसर सही है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, आइए देखिए ये भी लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अच्छी बात क्या है कि हमें केवल LHL ही कैलकुलेट करनी है, x टेंस टू 0 माइनस। इस सवाल में देखिए आपको मॉड दिखाई दे रहे होंगे और बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सबसे पहले हम इनको रिमूव करेंगे। तो देखो व्हेन यू सेड x टेंस टू 0 माइनस, क्या मतलब होता है इसका कि x इज वेरी क्लोज टू 0 बट x इज लेस देन टू 0, 0 के पास है लेकिन 0 से छोटा है, तो इसलिए बच्चों मॉड x जो है, चूंकि x नेगेटिव है, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस x में, और बॉक्स ऑफ x जो है वो बन जाएगा, बताइए आप 0 से छोटी वैल्यू होगी जस्ट, तो उसका बॉक्स क्या होगा माइनस 1। अब इस कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ यूज करके इस लिमिट को अगर दोबारा से लिखें तो ऐसे बन गया कुछ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, हाँ जी x इंटू, ये सिंपल ब्रैकेट है भाई, सबसे पहले बॉक्स x, ये तो क्या बन गया माइनस 1, फिर मॉड x बन गया माइनस x, फिर साइन के अंदर बन गया माइनस 1, डिनोमिनेटर में बन गया माइनस x, तो फाइनली देखो क्या बन जाएगा ये, दिस कैन बी रिटन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x इंटू 1 प्लस x, सही है भाई, और ये x नीचे और साथ में साइन माइनस 1, तो इसको 1 करके माइनस बाहर निकाल लो, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे और अब लिमिट लगा दोगे तो क्या आएगा माइनस साइन 1, तो ये आंसर है माइनस साइन 1 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे वो सही होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, x का वैल्यू 3 tan t, y का वैल्यू 3 sec t, तो बताओ d2y/dx2 क्या होगा t=π/4 पे। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है ये, कैसे स्टार्ट करेंगे देखो, सबसे पहले निकालो बच्चों dx/dt, ठीक है, तो इसका 3 tan t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 3 sec² of t, करेक्ट। ऐसे ही अब तुम निकालो बच्चों dy/dt, तो 3 sec t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3 और sec t 10 t, समझ में आ रही बात यहां तक। अब देखो dy/dx क्या होता है, dy/dx बन जाएगा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट से dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर रखी है, इनकी वैल्यू डाल दो तो 3 sec t 10 t डिवाइडेड बाय 3 sec² t, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, sec t भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 t/sec t, sec को ऊपर लाओ cos हो जाना है, 10 t × cos t कितना बन जाएगा sin t, तो फाइनली इट विल बिकम sin t। अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो, ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना है d2y/dx2, ओके। देखिए इसका मतलब यही तो होता है dy/dx of dy/dx, हाँ या ना, सही है। अब dy/dx की ये वैल्यू अपन यहाँ डाल देते हैं,
तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन हो गया देखो कॉस टी, और फिर टी का होगा ना डी टी बाई डी एक्स, ये चेन रूल यहाँ पे हमने लगा दिया है। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये थ्री सेक स्क्वायर टी है, इसको पलट लो तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू कॉस टी इंटू वन अपॉन थ्री सेक स्क्वायर टी, जो कि बन गया फाइनली वन बाई थ्री कॉस क्यूब टी। तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब आपको कहाँ कैलकुलेट करना है, टी इक्वल टू पाई बाई फोर पे। अगर आप इसमें टी का वैल्यू पाई बाई फोर डाल देते हैं तो आपको आंसर जो है वो क्या होगा, कितना होता कॉस पाई बाई फोर, वन बाई रूट टू, तो उसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा टू रूट टू, तो वन बाई थ्री और वन अपॉन टू रूट टू, तो कुल मिला के वन बाय सिक्स रूट टू। सो वेयर इज वन अपॉन सिक्स रूट टू, ये रहा भाई, तो ये आंसर है इसका। तो सिंपल डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल था, और आई होप समझ में भी आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, एफ एक्स इज गिवन दिस, द सेट ऑफ पॉइंट इन द इंटरवल माइनस फोर टू फोर वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट अपने को कैलकुलेट करने हैं। देखिए इस तरह का जो फंक्शन होता है ना, इसमें इस तरह से दो फंक्शन का मैक्सिमम दिया गया हो, तो यहाँ हम सभी बच्चों को क्या सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सवालों में आपको बच्चों क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में ग्राफ की हेल्प लेनी चाहिए, ग्राफ से ड्रॉ करो। तो आइए देखिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, ओके। देखिए व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, इसका क्या मतलब है, व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन, आई होप ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना सबको आता है, इस इनइक्वालिटी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन गई माइनस टू से टू, राइट। तो ये एक्स एक्सिस पे ये वन हो गया, ये टू हो गया, वन और टू, तो ये रहा भाई माइनस टू, ये प्लस टू। तो इसके बीच में बच्चों मुझे मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, और उनमें से जो मैक्सिमम हो उसको लेना है। तो देखो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो स्ट्रेट लाइन आएगा यू, जो कि बेसिकली वाई बराबर एक्स है, और अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इधर भी ऐसे आएगा, राइट। वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है बच्चों वो इस तरह से जाएगा, और इसको काटेगा ऐसे वन वन पे, दिस इज वन वन, और ऊपर निकल जाएगा फिर यू, ठीक है। टू पे इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाएगी, फोर तक, और ठीक ऐसे ही ये इधर ऐसे, ये पॉइंट तो है टू कॉमा टू, ठीक है, ये पॉइंट है टू कॉमा फोर, और इधर वाले पॉइंट आप समझ सकते हो सिमेट्री से क्या होंगे, इसके आगे क्या होना है, इसके आगे अब ये ग्राफ बनाना है। जब मॉड एक्स का वैल्यू दो से चार, यानी एक्स का वैल्यू दो से चार के बीच में है, और माइनस चार से माइनस दो के बीच में है, तब हमको ग्राफ बनाना ये वाला। ये ग्राफ देखिए, ये बेसिकली y बराबर इस तरफ तो हो गया 8 माइनस टू एक्स, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मॉड हटा दिया मैंने, इस तरफ किसका ग्राफ बन जाएगा ये, y इज इक्वल टू 8 प्लस टू एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं। देखिए इसमें x का वैल्यू 2 डालो तो आपको मिलेगा 8 माइनस 4, यानी कि 4, तो यहाँ से स्टार्ट होगी ये लाइन, और जब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे x का वैल्यू 4 तो 0, तो ये इस पॉइंट से पास हो, यानी ये ग्राफ आएगा यू, ठीक ऐसे ही इधर भी ये ग्राफ आएगा यू। अच्छा बीच में इन दोनों में से कौन सा कर्व लेंगे जो मैक्सिमम है, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कौन है भाई, ये वाला कर्व मैक्सिमम है तो इसको लेंगे, है ना, इसको नहीं लेंगे, इस पॉइंट के बाद में मैक्सिमम यहाँ आ गया तो इसको ले लेंगे ऐसे, ओके। ऐसे ही इधर ये मैक्सिमम और फिर ये मैक्सिमम, आई होप ये करो है ऐसा आप समझ गए होंगे। अब ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, देखिए ग्राफ में कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है, तीन टाइप के पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है। पहला वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ टूट जाता है, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होते हैं। सेकेंड वो पॉइंट जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट हो, और तीसरा वो पॉइंट जहाँ पे कर्व में शार्प कॉर्नर बनते हैं। तो यहाँ आप देखिए इस कर्व में एक इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर है,
फिर यहां पर जब ये दोनों कर्व मिल रहे हैं तो इस पॉइंट पे एक शार्प कॉर्नर है, एक शार्प कॉर्नर यहाँ, एक यहाँ है और एक यहाँ, तो टोटल मिला के देखो कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। इन पे एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 0, 1, 2, -1 और -2, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों, फर्स्ट वाला, इक्वल -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच टी बिलोंग्स टू आर, लेट बॉक्स टी रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन फाइंड दिस लिमिट। और अगेन देखिए वन साइडेड लिमिट है, तो हम मॉड हटाएंगे, बॉक्स हटाएंगे। सुनना आप ध्यान से, व्हेन एक्स टेंस टू 1+, इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बड़ा है ना। तो जितने भी ये बॉक्स में 1 - x है बच्चों, ये क्या बन जाएंगे, देखो अगर x 1 से बड़ा है तो बॉक्स तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, तो ये क्या बन के बाहर निकलेगा, x - 1, राइट, पॉजिटिव आएगा x - 1। ऐसे मॉड x x में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि x तो पॉजिटिव है तो मॉड हट जाना है। और बॉक्स ऑफ 1 - x क्या होगा, सोच के देखो, x 1 होने पे 0 होता है ना, लेकिन x 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, और 0 से कम हो जाएगी तो इसका बॉक्स क्या हो गया, 0 से थोड़ा सा कम होते ही बॉक्स कहाँ पहुंच जाता है, -1 पे। तो ये चीज़ें पहले आप यहाँ पुट करो, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये ऐसे बन गया, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1+ पर क्या हो बन गया, ये 1 - x प्लस साइन x - 1 है ना, मोड हटा के 1 - x बन जाएगा x - 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और साइन और 1 - x का मोड बन रहा है, बॉक्स बन रहा है -1, सो इट विल बिकम -π/2, और नीचे हो गया 1 - x, तो बन गया x - 1 मोड में, और जो बॉक्स में है वो बन गया -1। देखिए ये टर्म मिला के सारी, ये तो 1 हो गई है ना, साइन -π/2 -1 होता, -1 - 1 मिला के 1 हो गया। इसको अपन सेपरेटली डिवाइड कर दें अगर, तो बच्चों ऐसे बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1+, देखिए 1 - x को x - 1 से डिवाइड करोगे तो -1+, और साइन x - 1 / x - 1, ये तो -1 है ही। और ध्यान दीजिए ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, साइन थीटा टेंस टू 0 पर 1 होता है ना, x टेंस टू 1+ पे 0 को टेंड कर रही है क्वांटिटी, तो इसलिए ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर हो गया बच्चों 0, -1 + 1 मिला के क्या आया, 0। तो है कहीं ऑप्शन, बिल्कुल ये रहा, इक्वल टू 0। सो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखो आगे, fx एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, और इस पॉलिनोमियल में खास बात यह कि जो कांस्टेंट आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे वो इन्होंने पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन दिए हुए हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंप्लीफाई करना है, इसको आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखिए fx तो आपको गिवन है ही, अगर मैं f'x निकालूँ तो वो क्या आएगा, देखो बच्चों वो आएगा यहाँ से 3x² + 2 × f'(1) (x) + f"(2). सुनते जाना ध्यान से, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, f"(x) निकालें तो वो क्या आएगा, 6x + 2 × f'(1). एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें f"(x) तो वो आया 6। देखिएगा अगर मैं इसमें x का वैल्यू पुट कर देता हूँ कितना, 3, तो मुझे मिलेगा कि f"(x)3 का वैल्यू है 6, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे इसकी। अब मुझे ये वाले दो और चाहिए है ना, तो f'(1) कैसे मिलेगा, इसमें x की जगह 1 डालो, पुट x = 1, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, f'(1) = 3 + 2 × f'(1) + f"(2). ठीक है, इसको इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो इस इक्वेशन को हम दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, +f'(1) = -3। सिमिलरली बच्चों इसमें क्या पुट करो, x = 2, तो आपको मिलेगा f"(2) = 6 नहीं सॉरी 2 पुट करें 12
ट्वेल्व प्लस टू टाइम एफ डैश वन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ से अब डबल डैश टू निकाल के यहाँ डाल दो आप, तो ये हो गया 12 प्लस थ्री एफ डैश वन, तो 12 उधर चला गया, तो माइनस के 15 प्लस थ्री और बराबर में थ्री एफ डैश वन, तो एफ डैश वन का वैल्यू हो गया माइनस फाइव। और अगर ये माइनस फाइव है बच्चों तो ये प्लस टू होना चाहिए, सो एफ डबल डैश टू हो गया प्लस का टू। कैलकुलेशन सही है या नहीं है चेक कर लेते हैं, यहाँ डाल के देखो माइनस फाइव टू आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये सब वैल्यू अगर मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ कहाँ चला गया भाई लिखा हुआ हमारा, हाँ ये रहा, तो ये सब वैल्यूज अगर मैं इस क्वेश्चन में यहां यूज कर लूं बच्चों तो एफ तो एफ एक्स देखो क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन गया एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और एफ ट्रिपल डैश थ्री का वैल्यू आया था सिक्स प्लस सिक्स, ये बन गया। दैट्स ऑल। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ टू की, तो आप एफ ऑफ टू निकाल लो। एफ ऑफ टू कितना होगा, एफ ऑफ टू हो गया एट माइनस ट्वेंटी प्लस फोर प्लस सिक्स, तो देखो छः और चार दस और आठ अट्ठारह और माइनस के बीस, तो माइनस का टू, तो है आपके ऑप्शन में बिल्कुल ये रहा माइनस टू, तो सही आंसर है यहाँ पे फोर। तो ये क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा विशेष बात है नहीं जो हम करें, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको एफ डैश वन एफ डैश टू एफ डबल डैश टू और एफ ट्रिपल डैश थ्री निकालना था, तो तीन बार इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया और फिर एक्स की डिजायर्ड वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया। ओके तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एट, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस एंड एफ वन इक्वल टू फोर। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करें आप, ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आपको गिवन था एफ वन इक्वल टू फोर ऐसा है, ठीक है। देन ये लिमिट आपको कैलकुलेट करनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा अपने को। ओके तो वो हम देखो कैसे निकालते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ रख लेते हैं हम इसको। ओके आ जाइए, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि लेट वी टेक वाई इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। So the given equation can be written dy by dx, correct, plus 3 by 4 y upon x is equal to 7। ऐसे लिख लेते हैं बच्चों से। अब ये देखो ये differential equation है, तो यहाँ थोड़ा सा concept आपको differential equation वाले chapter का भी लगाना पड़ेगा, right? और वो कैसे, देखिए इसमें देखो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, आई होप आप सबको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये जो वाई का कोफिशियंट है इसका इंटीग्रेशन, यानी थ्री बाई फोर एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा ऐसे, सही है भाई। अब थ्री बाई फोर का थ्री बाई फोर तो थ्री बाई फोर है ही, और एक्स वन बाई एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, तो ई टू द पावर थ्री बाई फोर लॉग एक्स ऐसा बनाए। इसको फाइनली देखो इस 3 बाई फोर को पावर में ले जाओ, तो e और log कैंसिल आउट होके x पावर 3 बाई फोर ये मिलेगा आपको एक। ओके तो इस तरह से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब अगर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विद दिस टर्म, यानी कि सेवन। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये हो गया देखो c और ये सेवन है ही यहाँ पे, और इसको इंटीग्रेट करना है तो प्लस सेवन तो अपनी जगह है ही, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर सेवन बाई फोर डिवाइडेड बाय सेवन बाई फोर, तो ये सेवन और सेवन कैंसिल आउट हो गए और ये बन गया आपके पास कुछ ऐसा देखो कि y इज इक्वल टू c अपॉन x पावर 3 बाई फोर प्लस ये ऊपर आके 4 बन जाएगा और x पावर कितनी हो जाएगी 7 बाई फोर में 3 बाई फोर का भाग दोगे तो 1 बचेगा, तो ये ऐसा बन गया कुछ।
ओके अब एफ एक्स ही तो वाई है सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओके नाउ आई यूज दिस कंडीशन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन फोर ये मैंने बताया था आपको यहाँ पे इक्वलिटी है तो एफ वन इक्वल टू फोर तो ये एफ ऑफ एक्स है तो इसमें वन डाल दो तो आपको मिलेगा एफ वन यानी कि फोर का वैल्यू होना चाहिए सी प्लस फोर के बराबर यानी सी का वैल्यू हो गया बच्चों जीरो तो इस तरह से ये टर्म जीरो हो गई और एफ एक्स बराबर आपको मिला फोर एक्स नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स तो एफ ऑफ वन बाई एक्स क्या हो जाएगा दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू फोर बाई एक्स भाई एफ एक्स जो है वो फोर एक्स है तो एफ ऑफ वन बाई एक्स हो गया फोर इंटू वन बाई एक्स और एक्स कैंसिल आउट हुए आंसर विल बी फोर उसका सही आंसर है फोर यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू फोर तो इसमें कुछ भी नहीं था बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ बनी थी उसको सॉल्व करके फिर लिमिट अप्लाई करनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नाइन लेट एफ माइनस वन टू वन से आर में एक ऐसा फंक्शन है देखो फिर से ऐसा फंक्शन आ गया यही सीखने वाली बात है इस तरह के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफ से है ना इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये दोनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे राइट तो आइए देखिए कैसे होंगे दोनों ग्राफ वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स तो आई होप सबको पता होगा और ये होता है वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स तो माइनस मॉड एक्स कैसा हो जाएगा नीचे की तरफ इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा देखो माइनस मॉड एक्स बोला ना इसने तो ये लाइन हो गई यों और ये दिस इज द लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स दिस इज द लाइन वाई इक्वल टू एक्स ओके दूसरा ग्राफ देखो मुझे बनाना है बच्चों इसका वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इस टर्म को बड़े ध्यान से देखिए इसको देख के आपको समझ में आता है कि यहाँ पे वाई पक्का नेगेटिव होगा सही है क्योंकि माइनस ऑफ अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू देता है माइनस से गुणा करोगे नेगेटिव हो जाएगा अब इसका दोनों साइड स्क्वायर अगर मैं कर लूँ तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन पहचान के कौन सा कर्व है ये सर्किल है लेकिन इस कंडीशन के साथ कि वाई नेगेटिव होना चाहिए तो इसलिए जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे ऐसे जैसे ये ऐसे होगा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है रेडियस वन है ऐसे तो ये सर्किल हो गया भाई यूं ओके और फिर ऊपर जो सर्किल बनेगा देखिए ऐसे ये पार्ट हम नहीं लेंगे इसलिए मैंने इसको डॉटेड बनाया है क्यों नहीं लेंगे क्योंकि ये वो पार्ट है सर्किल का जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाता है आप जानते हो एक्स एक्सिस पे वाई बराबर जीरो होता है इसके ऊपर वाई पॉजिटिव है नीचे वाई नेगेटिव है तो हमें वाई नेगेटिव वाला पोर्शन ही लेना है तो इसलिए ये ग्राफ हो गया अब दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू दे वो वाई बराबर एफ एक्स है तो स्टार्टिंग में देखो दोनों में ये कर्व ऊपर है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वाई इक्वल टू एफ एक्स जो अपना ग्राफ होगा वो ये होगा शुरू में ये ग्राफ आएगा यहां तक तो ऐसे फिर इस पॉइंट के बाद क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू y बराबर x पे आने लग जाएगी देखो इन दोनों में ये मैक्सिमम है तो ये एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो ये ग्राफ ऐसा हो गया है ना आगे चलो तो अभी भी दोनों में से ये कर्व ही ऊपर है तो यही कर्व मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा और इसके आगे ये वाला कर्व आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा ऐसे तो ये जो बना हुआ है डार्क शेड से ये ग्राफ है बच्चों y बराबर एफ एक्स का ओके अब ये ग्राफ जो है कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है इसमें देखिए माइनस वन और वन को तो इंक्लूड नहीं करना है ना इन पॉइंट को तो लेना ही नहीं इनके बीच में ही बात करनी है तो इनके बीच में अगर आप देखें तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये तीन पॉइंट ऐसे जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा यानी आपका आंसर है थ्री एलिमेंट्स ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन Let f(x) this and g(x) this, then in the interval minus 2 comma 2, g is not continuous. Okay, ये सब बातें हमें देखनी है आइए देखिए पहले f(x) को देखते हैं ये लिखा हुआ है आपके सामने f(x) ग्राफ बना लेते हैं उससे हमें समझने में आसानी होगी देखिए एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा कुछ ऐसा जैसा इसमें गिवन है कि भाई माइनस टू से जीरो के बीच में तो वाई बराबर माइनस वन आना चाहिए तो ये माइनस टू
है ना, ये जीरो, तो ये लाइन आएगी ऐसे वाई बराबर माइनस वन। ठीक है बच्चों, और इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे खाली सर्किल। उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ आना चाहिए जीरो से टू में। एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, माइनस वन करोगे वन नीचे आ जाएगा, तो यहीं से शुरू होके ऐसे जाएगा ग्राफ, ये यहाँ तक, ये पॉइंट है टू, दिस पॉइंट इज वन कॉमा जीरो, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज टू कॉमा थ्री, ये है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसी से समझना, देखो y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स कैसा होगा। वैसे देखो सुनो मेरे बात ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कारण ये ग्राफ कंटिन्यूस है ना, मॉड एक कंटिन्यूस कर्व के ऊपर मॉड लगाओ या उसके अंदर मॉड लगाओ, उससे ग्राफ टूटता नहीं है, है ना, ग्राफ मुड़ जाता है तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है बट डिसकंटिन्यूटी नहीं बनती है, तो कंटिन्यूस कर्व के ऊपर मॉड यूज करने से भी वो कंटिन्यूस ही रहता है। इसलिए ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट तो गलत है ही, है ना। अब तो मुझे देखना है कि कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनेगी। इसका ग्राफ देखो कैसा होगा, सुनना ध्यान से, आप जानते हो बाहर मॉड लगाने से क्या होता है, जो पोर्शन ऊपर है ये वाला पोर्शन, ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ही रहेगा, वन से लेके टू के बीच में, ओके। ये जो पोर्शन नीचे है ये पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा यूं और यूं। इसमें ये लाइन हो गई y बराबर वन हो गई अब मॉड से, और ये हो गई y बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन थी, माइनस से गुणा होकर ऊपर आई है ना, तो ये ऐसे बन गया। तीसरा जो कर्व है यहाँ पे वो है जैसे y बराबर f ऑफ मॉड x, तो ये कैसा होगा, तो ये कैसे बनता है, x इक्वल टू जीरो के आगे, तो ये पॉजिटिव है तो एफ एक्स ही बनेगा, तो ये एफ एक्स वाला ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है, ये वन ये टू, दिस इज जीरो कॉमा माइनस वन, दिस इज टू कॉमा थ्री, और फिर ये इवन फंक्शन है तो जैसा ग्राफ इधर आया वैसा इधर आएगा, तो इधर भी ग्राफ आएगा यू, तो ये वही ग्राफ है पूरा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इधर भी और इधर भी, ठीक है बच्चों। अभी अगर इन दोनों को ऐड कर दो, तो चलो ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे देखो क्या बनेगा, थोड़ा हम ग्राफ को ऊपर लेते हैं ताकि जगह मिले हमें इनको ऐड करने के लिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे y बराबर जी एक्स क्या होगा, जी एक्स बेसिकली क्या है, मॉड एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ सॉरी एफ ऑफ मॉड एक्स, तो ये देखना है अपने को, तो आ जाओ देखो ग्राफ से देखें ज़्यादा सही होगा, है ना। जीरो से वन के बीच में देखेंगे, टू के बीच में देखेंगे, और इधर माइनस टू के बीच में, माइनस टू से जीरो के बीच में बच्चों ये है वन, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो इधर आएगा यू वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा ग्राफ, दो कोमा फोर तक चला गया ये, ठीक। अब जीरो से माइनस वन के बीच में देखो, ये तो है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दोनों को ऐड करोगे तो आएगा जीरो, यानी जीरो से वन तक इसका ग्राफ की वैल्यू जीरो रहेगी, ये यहीं रहेगा सारा ग्राफ ऐसे, ठीक है। वन से टू के बीच में, वन से टू के बीच में ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो जुड़ के डबल हो जाएगा, है ना, तो वाई बराबर टू टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ऐसा आएगा, और ये भी पैराबोला ही है, जाहिर सी बात है यहीं से स्टार्ट होगा, बस इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाएगी, 2.6 तक, तो ये ऐसा हो गया कुछ, तो ये ग्राफ बन गया। अब इसको देख के मुझे बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो मैं जानता हूँ तीनों पॉलिनोमियल अपनी जगह तो डिफरेंशिएबल है, दिक्कत आएगी जहाँ ये पॉइंट एक दूसरे को मिलते हैं, जैसे ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, क्यों नहीं, देखो ये है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है इधर 2x, और इस पॉइंट पर निकालोगे तो एफ डैश जीरो माइनस जो है आपका वो जीरो हो गया, और राइट साइड में फंक्शन ही जीरो है, तो राइट साइड में अगर आप एफ डे जीरो प्लस निकालोगे तो भी जीरो ही आएगा। ऐसे ही वन पे चेक करते हैं, वन के लेफ्ट में ये वाला कर्व है जीरो, तो वन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या हो गया जीरो, और राइट हैंड डेरिवेटिव इधर से आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स बराबर है फोर एक्स, तो एफ डैश वन प्लस कितना हो गया फोर, तो ये दोनों तो बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब यहाँ शार्प एज बनेगा यहाँ नहीं बनेगा, तो ये एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमको मिलेगी। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए भाई, अपना आंसर है
सेकेंड नॉन डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट ओनली. ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ऐसे सभी क्वेश्चन में जिसमें मैक्सिमम गिवन हो, मॉड वगैरह गिवन हो, अब ग्राफ की हेल्प से सोचें, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, एक्स log एक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई. तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है. आ जाओ शुरू करते हैं. राइट तो इसको डिफरेंशिएट करो. तो देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये टर्म एज इट इज log ऑफ एक्स, फिर प्लस अब की बार एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से. तो पहले इस log का होगा तो 1 बाई log एक्स, ठीक है. अब इस log x का होगा तो 1 बाई एक्स, खत्म. इधर आ जाओ, माइनस 2x प्लस 2y और dy बाई डी एक्स और बराबर में 0. ये वो टर्म है जिसकी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. कब? जब x का वैल्यू e हो. लेकिन जब x का वैल्यू e होगा तो y का वैल्यू क्या होगा ये तो आपने जाना ही नहीं. तो अगर मैं x का वैल्यू e लेता हूँ और यहाँ पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, देखो ये log e ये 1 हो जाएगा और log 1 0. तो 0 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी वाई बराबर हो गया अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर जब एक्स का वैल्यू ई है. अब ये सब वैल्यू यहां डाल देते हैं. देखो तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, पुट एक्स इक्वल टू ई, सो दिस विल बिकम 0. ये एक्स और ये एक्स आपस में कट गए, ये 1 हो गया, माइनस का 2e हो गया. समझ में आ रही हुई बात? ये हो गया 2y, यानी कि 2 टाइम अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर, साथ में हो गया dy बाई डी एक्स. तो यहां से बच्चों आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो सामने क्या है, 0. तो इस टर्म को उधर ले जाओ तो ये हो गया 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर. देखो कहीं पे ऑप्शन है ये, बिल्कुल ये रहा 2e माइनस 1 2 टाइम अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर. सो सेकेंड विल बी द राइट आंसर हियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, लेट बॉक्स एक्स डिनोट, फिर से बॉक्स एक्स आ गया. देखो तो बताओ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, पहले तो ये देखना पड़ेगा. बॉक्स आने पे LHL RHL के डिफरेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, तो हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी. देखो पहले तो ये समझो, व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस लोगे ना आप, तो बॉक्स x क्या बनेगा, माइनस 1. 0 से जरा सा छोटा होते ही बॉक्स माइनस 1 हो जाता है. ऐसे ही व्हेन यू टेक x टेंड्स टू 0 प्लस, तो उसका मतलब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो बॉक्स x की वैल्यू बन जाएगी एग्जैक्टली 0. इनको यूज करिए आप. यहां जाओ तो इस केस में LHL निकालते हैं पहले. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये टर्म ऐसे बनेगी कुछ. देखो tan पाई साइन स्क्वायर x है ना, ये टर्म है एक. तो प्लस में इधर आ जाओ, मॉड x क्या बन जाएगा व्हेन यू आर टेकिंग x टेंस टू 0 माइनस. इस केस में मॉड एक्स क्या होगा भाई, माइनस एक्स, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो माइनस हो जाएगा, और इस केस में मॉड एक्स बन जाएगा प्लस एक्स. तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना आपको. तो वापस इधर आओ, मॉड एक्स तो बन गया माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, और माइनस ऑफ साइन एक्स बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स हो गया माइनस 1, तो माइनस एक्स उसको बाहर निकाल के आप प्लस कर दो इसका स्क्वायर. डिवीजन में आ जाओ बच्चों, इधर तो है एक्स स्क्वायर, इधर क्या है, इधर आइए. अब इधर भी एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन देखो मैं उसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ. कैसे लिख रहा हूँ समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर, या ऊपर लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स, या नीचे भी लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ मैंने पाई से गुणा किया और यहाँ भी पाई से गुणा किया ऐसे. अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि मैं जैसे लिमिट लगाऊंगा, देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ऐसे बन गई टेन थीटा अपॉन थीटा, और ये जो थीटा है इट इज टेंडिंग टू 0. ओके तो ये 1 हो गया, ये आप जानते हो साइन एक्स बाई एक्स, ये भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये पाई हो गया. तो ये लिमिट कितनी आई, पाई. प्लस में आ जाओ इधर, इस एक्स स्क्वायर को अंदर ले चलते हैं तो ऐसे बन जाएगा, भाग देंगे तो क्या बनेगा, ये अंदर जाके एक्स बन जाएगा, तो माइनस 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स,
का होल स्क्वायर, और इसमें अभी लिमिट लगाना बाकी है। तो जैसे आप लिमिट लगाओगे दिस विल बिकम वन, है ना, तो पाई प्लस जीरो यानी कि पाई। तो एल एच एल तो आ रही है पाई, अब आर एच एल देखते हैं क्या आएगा। ये रहो यार, चल के लिए इधर आ जाओ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। देखो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो इसमें तो ना तो मॉड है ना बॉक्स है ना, तो ये तो एज इट इज ही आएगा। तो समझदारी से काम लो, दोबारा क्या सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू तो पाई ही आएगी, तो उसको तो मैंने लिख दिया है पाई। प्लस इस पे देखते हैं ये क्या बनेगा सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि इसमें मॉड है तो मॉड हटाओगे इस बार, तो ये एक्स बनेगा और ये जीरो बन जाएगा। ये जीरो बनने से ये पार्ट जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सो दैट विल बिकम पाई प्लस वन। तो आप देखिए एल एच एल और आर एच एल अलग अलग आ रही है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो द राइट आंसर इज दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी ऐसे मॉड आ जाए या बॉक्स आ जाए या फ्रैक्शन पार्ट आ जाए, तो हमेशा एल एच एल और आर एच एल अलग अलग कैलकुलेट करनी चाहिए हमको, क्योंकि उस केस में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि एल एच एल आर एच एल डिफरेंट होगी। चलिए इस क्वेश्चन में आते ही, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको ऐसे लिख लो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, समझना ध्यान से, ये साइन और एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई, इस कॉट स्क्वायर टू एक्स को ऊपर ले चलो, तो ये ऊपर जाके बन गया टेन टू एक्स का स्क्वायर। इस कॉट फोर एक्स को नीचे ले आओ, ये बन गया टेन फोर एक्स का स्क्वायर, और ये एक एक्स अपने पास है ही, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, एडजस्ट हो गया ना, सही, कुछ गड़बड़ हो गया, ये स्क्वायर नहीं है भाई यहाँ पे, हाँ अब सही। अब देखो ऊपर नीचे भाग दे दो एक्स क्यूब का, और उसको कैसे एडजस्ट करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ डाल दिया, एक एक्स यहाँ डाल दिया, तो ये तो इससे कट ही जाएगा, एक एक्स यहाँ डाल दिया और एक एक्स स्क्वायर यहाँ डाल दिया ऐसे, है ना। अब यहाँ फोर लगाओ और यहाँ भी फोर लिख दो, यहाँ टू लगाओ और यहाँ भी फोर लिख दो ऐसे। अब देखो ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, वन हो जाएगी, ये भी वन हो जाएगी, ये भी वन हो जाएगी, फोर बाई फोर आंसर आ गया वन, तीसरा आंसर सही है। तो ऐसे स्टैंडर्ड लिमिट मैनेज कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, द लेट के बी द सेट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वे आर द फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। आइए इस पे भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ भी असली परेशानी देखो मॉड है ना, मॉड ही इसको नॉन डिफरेंशियबल बना रहा है, तो आप मॉड हटा के बात कीजिए। और पहले तो ये देखो कि कहाँ पे दिक्कत आ सकती है हमको, मेरे साथ देखो आ जाओ। देखो एफ एक्स बराबर, सुनना मेरी बात ध्यान से, साइन एक्स साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस टू टाइम एक्स माइनस पाई, है ना, कॉस मॉड एक्स। देखो कॉस के अंदर मॉड लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब कॉस ऑफ मॉड एक्स जो होता है ना बच्चों, वो बेसिकली कॉस एक्स ही होता है। सोच के देखो क्यों भाई, मॉड हटाओगे तो प्लस आएगा माइनस आएगा, कॉस में फर्क ही नहीं पड़ता ना, कॉस प्लस एक्स और कॉस माइनस एक्स बराबर ही होते, तो ये फालतू चीज़ है, यानी इसको मैं वापस से cos x लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखो इस फंक्शन को, ये फंक्शन तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, सही है ना, ओके okay, तो सब कुछ डिपेंड करता है इस पे कि ये डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, उसके अकॉर्डिंग ही बात बनेगी। तो आ जाओ फिर चेक करते हैं इसको, तो इतने इतने से को चेक करना है, तो पूरे को लेके क्यों परेशान हो, इसको मैं जी एक्स बोल देता हूँ, जी एक्स को चेक कर लेते हैं। देखो जी एक्स में मॉड है असली समस्या, तो मॉड हटा के बात कर लो, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो ये साइन एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, वैन एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये माइनस का साइन एक्स और प्लस का एक्स, ऐसे बन जाएगा ये फंक्शन। अब सोचो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, एल एच डी निकालना हो मुझे, एल एच डी तो वो तो यहाँ से आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस वन, और ये किस पॉइंट पर निकाल लूँगा मैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो ये मुझे कितना मिला देखो, जीरो ही हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है इसलिए। आर एच डी निकालेंगे हम, तो वो यहाँ से आएगा और वो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट विल आल्सो बिकम टू जीरो। तो एल एच डी आर एच डी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जीरो पर ये कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है। जीरो के अलावा कहीं और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ एक ही फंक्शन ऐसा है जो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, वो है मॉड, और मॉड कब नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जब उसके अंदर जीरो बनता है। तो
तो जीरो के अलावा पाई पे है ना, जैसे ऑप्शन दिया हुआ पाई, तो क्यों चेक करूं मैं पाई पे? पाई पे मॉड भी डिफरेंशिएबल है, साइन भी डिफरेंशिएबल है, कॉस भी डिफरेंशिएबल है, सब डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल ही होगा। तो केवल जीरो पे मुझे चेक करना था, और जीरो पे भी क्या निकला है, डिफरेंशिएबल। तो ये सब जगह डिफरेंशिएबल है, यानी आपका आंसर हो गया फोर्थ, एन एम्प्टी सेट। ऐसा सेट एम्प्टी होगा जिसमें हम वो पॉइंट लेना चाहें जो कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन माइनस पाई टू पाई एट विच द फंक्शन मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी बहुत आसान सवाल है। देखो, माइनस पाई से पाई में ग्राफ बना लो। ये भाई साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये इधर माइनस पाई से प्लस पाई में। कॉस एक्स का बना लो, ये कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब इनका मिनिमम लेना है, तो मिनिमम देखोगे आप, स्टार्टिंग में मिनिमम यहाँ है कॉस वाले पे, यहाँ पे मिनिमम है, फिर इस वाले पे मिनिमम आ गया यूँ, ठीक है। अब यही मिनिमम रहेगा कब तक, यहाँ तक, उसके बाद ये मिनिमम हो गया। तो ये जो कर्व है, ये वाला, ये अपना इस फंक्शन का कर्व हो गया। अब इसमें आप देखोगे कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, ठीक है। तो बस यही वो दो पॉइंट है, माना ऐसा, हाँ, तो यही वो दो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। अब ये है क्या, तो आप जानते हो ये साइन एक्स कॉस एक्स कब बराबर हुए, पाई बाई फोर पे। तो एक तो ये पाई बाई फोर है, और ये क्या है, ये पाई के आगे पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर, यानी ये माइनस थ्री पाई बाई फोर है, पाई से पहले, पाई बाई टू के आगे, है ना, सही है। तो ये दो पॉइंट निकल के आए, माइनस थ्री पाई बाई फोर और प्लस पाई बाई फोर। तो ये हमसे देखो, ये सेट नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है तो बताओ कि ये जो सेट एस है ये किसका सबसेट है। तो आप देखो, ये दोनों वैल्यू कौन से में आ रही है, वही सही है। इसमें दोनों नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, और यही एकमात्र ऐसा है जिसमें दोनों वैल्यू आ रही है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, सबसेट चूज करना, मतलब इसका सुपर सेट चूज करना था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इसमें तो कुछ खास है नहीं समझाने को, आप सीधे सीधे ना एल हॉस्पिटल रूल भी लगा लो तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्टली यूज एल हॉस्पिटल रूल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट लॉपिटल रूल, तो इसको अप्लाई कर लीजिए। दैट्स ऑल, एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, कॉस की जगह आ जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साथ में माइनस थ्री कॉट क्यूब एक्स का क्या होगा, थ्री कॉट स्क्वायर एक्स, पहली बात तो। फिर कॉट एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस टेन एक्स का हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। और अब आपको जो घबराने की जरूरत नहीं, इसमें लिमिट लगा दो, एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, देखिए क्या बनेगा। नीचे तो पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो माइनस वन हो गया। ऊपर हो गया माइनस थ्री इंटू कॉट पाई बाई फोर, वन होता है। कोसेक पाई बाई फोर होता है रूट टू, उसका स्क्वायर करोगे तो टू। माइनस सेक पाई बाई फोर भी होता है रूट टू, उसका स्क्वायर कर लो तो वो भी टू बन जाएगा। तो कुल मिला के हो गया माइनस सिक्स, ठीक है, माइनस टू, माइनस एट डिवाइडेड बाय माइनस वन, तो प्लस एट। तो योर आंसर विल बी प्लस एट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अंडर रूट दिखाई दे रहे हैं, लिमिट सॉल्व करनी, इतने सारे अंडर रूट है, रैशनलाइजेशन को यूज करो पहले। ओके, और देखो, और भी बेस्ट तरीका बता दूं क्या, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए करना चाहते हो तो। पहले तो देखो, ये एल एच एल है ना, तो इसको निपट लेते हैं। इसमें एक्स की जगह है, नहीं यार मेरा मन कर रहा है हम लॉपिटल रूल ही लगा देते हैं यहाँ भी, तो जल्दी से वही आंसर दे देगा अपने को, ठीक है। क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस रूट पाई का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस, सुनना देखो, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन टू, वन अपॉन टू अंडर रूट टू साइन इनवर्स एक्स, सही है। फिर टू साइन इनवर्स एक्स का होगा टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आप अंडर रूट वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन खत्म, दो से दो खत्म। देखो इसके दो फैक्टर कर लो, है ना, तो और इससे एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट कर देगा इसको, और यहाँ बच जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स। तो ये सब बच गया, इसमें लिमिट डाल दो आप, कितना आएगा देखो, वन अपॉन अंडर रूट में टू साइन इनवर्स वन पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू, टू से टू कट गया, रूट में पाई, एक ये भी है भाई, और वन बाई रूट टू, तो दोनों मिला के बच्चों बच गया वन अपॉन रूट में टू पाई।
तो ये लो, ये एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. 18. लेट एफ बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू टू, एफ वन इक्वल टू टू एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स. देखो, अगर मैं वाई बराबर एफ एक्स मान लेता हूँ तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स क्या हो गया बच्चों, वाई. यानी मुझे ये गिवन है, ठीक है. एक तरह से देखो इसको ऐसे लिख लें, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स. कॉन्स्टेंट भी मैं लॉग सी ले लेता हूँ, तो इस तरह से वाई बराबर आ जाएगा सी इंटू ई की पावर एक्स. तो ये फंक्शन आ गया. अब ये कह रहा वन पे इसका वैल्यू टू आना चाहिए, सो पुट एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू टू, तो आपको मिला टू बराबर सी ई. सही है, एफ वन इक्वल टू टू, तो टू बराबर आया सी ई. तो सी का वैल्यू कितना हो गया, टू बाई ई. दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू टू बाई ई. और यहां से बच्चों फाइनली मेरे को पता चल गया कि फंक्शन एफ एक्स जो हमारा वो क्या है, वो है सी का वैल्यू यहां डाल दें अगर हम, तो टू ई पावर एक्स बाई ई, यानी कि ये. ओके, अब कैलकुलेट क्या करना, एच एक्स एच डैश वन निकालना. देखो सुनिएगा ध्यान से, एच एक्स क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स. ठीक है, तो एच डैश एक्स हो गया बच्चों एफ डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. अब यहां देखिए मैं इसको फिर से यूज कर रहा हूं, है ना भाई. अगर एफ डैश एक्स एफ एक्स है तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, एफ एक्स. और यहां से देखिए एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स, तो इसमें अगर मैं एक्स की जगह एफ एक्स डाल दूं तो आपको मिलेगा एफ डैश एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एफ एक्स. तो यहां हो गया एफ ऑफ एफ एक्स. ठीक, अब आपको वैल्यू चाहिए वन पे, तो एच डैश वन बराबर एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन. देखो एफ ऑफ वन क्या होगा, डालो इसमें वन, तो टू हो जाएगा ये, तो ये हो गया एफ ऑफ टू इंटू टू. अब एफ ऑफ टू क्या होगा भाई, ये टू तो एज इट इज, एफ ऑफ टू की वैल्यू यहाँ से आएगी टू ई. तो आपका आंसर हो गया बच्चों फोर ई है, कहीं फोर ई, ये रहा. सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसमें देखो रैशनलाइजेशन कर लो पहले. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन स्क्वायर एक्स है अपनी जगह. रैशनलाइज करने के लिए रूट टू प्लस अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में गुणा करो, तो डिनोमिनेटर से गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके ये बच्चों वन माइनस कॉस एक्स बनेगा. अब आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, इसको कैंसिल आउट करके मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ. अब ये कट जाएगा इससे और आपको मिलेगा वन प्लस कॉस एक्स फाइनली ऊपर, तो ये बन गया वन प्लस कॉस एक्स इंटू दिस. लिमिट लगा दो तो वन प्लस कॉस जीरो वन हो गया भाई, और इधर हो गया रूट टू प्लस रूट टू, तो कुल मिला के टू इंटू टू रूट टू, यानी कि फोर रूट टू. ये रहा भाई, सो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट है. आगे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20. देखो देखने में बड़ा भयानक लग रहा है पर करेंगे कैसे, सुनिएगा ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्म चेक करो, इफ आई पुट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो देन इट विल बिकम वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म. तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये याद रखो, जब वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो आपको फंक्शन ऐसे गिवन होगा लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, और आपने देखा कि यार ये तो वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख लें, लिमिट एक्स टेंस टू ए ई टू द पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स. इस बेस में से वन घटा के जी एक्स से गुणा कर दो और ई की पावर में ले लो. अब ये आसानी से सॉल्व होता है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर वन बाई एक्स मल्टीप्लाई विद दिस, यानी वन प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ टू माइनस वन, ऐसे. ओके, इसको एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और साथ साथ ये इक्वेशन है इसको भी हम यूज करने की कोशिश करेंगे अगर कर सके तो. आइए देखिए, सो ये ऐसे बन गया बच्चों को लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर. सुनना ध्यान से, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्या बनेगा ये, वन अपॉन ऐसे लिख देता हूँ वन प्लस, सॉरी इट इज वन प्लस
एफ ऑफ टू माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ टू, मैंने इस टर्म को सेपरेट कर लिया देखो, क्योंकि ये टर्म जीरो नहीं बन रही है ना, लिमिट लगाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर वन बचेगा, है ना। जो जीरो बाय जीरो बना रहा उसको अलग कर लिया, इधर एक्स को अलग कर लिया मैंने, और इधर क्या बनेगा, देखो एलसीएम लगे लोगे यहाँ पे, तो वन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, वन से वन खत्म हो गया, एफ थ्री एफ टू, और ये बचेगा, मतलब आपके पास ऐसा बचेगा कुछ एफ ऑफ थ्री प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स माइनस एफ थ्री माइनस एफ टू प्लस एफ टू सॉरी, ये बच गया बच्चों। अब देखो मुझे जो इक्वेशन, ये रिलेशन गिवन है तो डैश एफ डैश यानी डेरिवेटिव में गिवन है, तो लिमिट में डेरिवेटिव कहाँ से यूज हो जाएंगे भाई, बिल्कुल हो जाएंगे अगर हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए ये वैल्यू तो हो गई पूरी की पूरी वन लिमिट लगाती, ठीक है, और बची हुई मैं यूज कर रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे, इसको उठा लो एल एच रूल। तो देखो क्या बन गया है, ऊपर डिफ्रेंशिएशन करोगे एफ डैश थ्री प्लस एक्स माइनस एफ डैश टू माइनस एक्स, यार यहाँ है ना माइनस था भाई, सॉरी यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया था ना इसको, तो माइनस था तो यहाँ प्लस बन जाएगा ऐसे, बाकी सब जीरो हो गए, नीचे वन हो गया। अब तुम जैसे लिमिट लगाओगे तो ये e की पावर में एफ डैश थ्री प्लस एफ डैश टू मिलेगा आपको, और ये हो गया बच्चों e की पावर जीरो जैसा मुझे गिवन है, तो आंसर आया वन, सो राइट आंसर विल बी थर्ड। ओके तो ये अप टू 20 हमारा डिस्कशन हो गया है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, लेट एफ बी डिफाइन एज दिस। अब यहाँ भी आप देखोगे ना बॉक्स एक्स और मॉड एक्स है, तो आप बॉक्स और मॉड को रिमूव करके और इस फंक्शन को डिफाइन करो, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, या फिर ग्राफ वगैरह बनाना चाहो तो बना लो। तो आइए देखते हैं ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले क्या करूँ, बॉक्स और मॉड को हटा दूँ, ठीक है बच्चों, और इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लूँ। तो ये फंक्शन मैं ऐसे लिखूंगा एफ एक्स बराबर, देखते रहिएगा साथ साथ। इस सूरत में देखो माइनस वन से वन चेंज हो रहा है और मॉड है, तो मॉड अलग अलग वैल्यू देता है जब जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो, तो इसलिए मैं इसके दो पार्ट करने वाला हूँ। कैसे, कि जब एक्स का वैल्यू होगा माइनस वन से जीरो के बीच, पहला पार्ट हम ये करेंगे, ठीक है, और दूसरा पार्ट कर लेंगे जब एक्स का वैल्यू होगा जीरो से वन के बीच। तो सुनो देखो, जब एक्स माइनस वन से जीरो है तो एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स तो क्या बन गया माइनस एक्स, और बॉक्स एक्स क्या बन गया, इसका बॉक्स लोगे तो आएगा माइनस वन। इस सूरत में मॉड एक्स तो बन जाएगा एक्स और बॉक्स एक्स बन जाएगा जीरो। ओके तो ये फंक्शन ऐसा हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन वन एंड टू, अब वन एंड टू के बीच में मॉड लगाने से क्या होगा, मॉड लगा रहे एक्स तो पहले से पॉजिटिव है तो एक्स ही आएगा, तो ये बन गया बच्चों टू एक्स। ओके उसके बाद व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन टू एंड थ्री, देखो थ्री इंक्लूड मत करो अभी, है ना, क्यों, क्योंकि टू और थ्री के बीच में बॉक्स का वैल्यू टू होता है, तो ये बनेगा एक्स प्लस टू, और थ्री पे अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं एक पॉइंट पे, तो वो वैल्यू क्या आएगी थ्री पे, थ्री पुट कर दो तीन और तीन छः, ये फंक्शन हो गया आपका। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, डिस्कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, कितने पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस है, तो बहुत ईजीली हम लोग पता कर सकते हैं एल एच एल और आर एच एल के कॉन्सेप्ट से। तो मैं इधर लिखते जाता हूँ, देखो एल एच एल और आर एच एल है ना, और वैल्यू दोनों में से किसके बराबर होगी वो भी देख लेंगे हम। और हम सबसे पहले जैसे x इक्वल टू जीरो पे बात करें, जीरो पे एल एच एल आएगी बच्चों यहाँ से माइनस वन, ठीक है, वैल्यू आएगी यहाँ से जीरो पे जीरो, और आर एच एल भी जीरो ही आएगी, लेकिन ये बराबर नहीं है ऐसे, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। फिर चेक करो देखो वन पे, वन पे वैल्यू आएगी इधर से कितनी वन, एल एच एल यहाँ से आएगी, सॉरी वैल्यू इस जगह से आएगी वन पे कितनी टू, और आर एच एल भी यहीं से आएगी टू। तो फिर से देखो एल एच एल और वैल्यू आर एच एल बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूटी हो गई। एक्स इक्वल टू टू पर चेक कर लो, टू के लेफ्ट में ये रहा फंक्शन, तो यहाँ से आपको मिला फोर एल एच एल, ठीक है, आर एच एल मिलेगी यहाँ से, कमाल ये भी फोर हो गई ये भी फोर हो गई, तो यहाँ कंटिन्यूटी आ गई। और अब लास्ट हम चेक करेंगे थ्री पे, क्लोज इंटरवल है ना भाई, तो थ्री पे चेक करेंगे। तो थ्री पे अगर आप चेक करोगे तो थ्री पे देखो वैल्यू तो आ रही है सिक्स और एल एच एल आ रही है फाइव, तो थ्री पे भी डिसकंटिन्यूटी होगी। तो जीरो पे वन पे और थ्री पे, इन तीन पॉइंट पे हमें डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, तो आपका आंसर है केवल तीन बिंदुओं पर। ओके चलें आगे, एफ वन बराबर वन है, एफ डैश वन बराबर थ्री है, तो इसका डेरिवेटिव बताओ।
तो आसान है, डिफरेंशिएट कर लो तो क्या आएगा देखो डेरिवेटिव, तो इसको मैं कुछ बोल दूँ इस फंक्शन को, इसको अपन जी एक्स बोल देते हैं, जैसे मान लो ये जी एक्स है तो तुम्हें जी डैश एक्स निकालना है, तो जी डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एफ ऑफ एफ एक्स, सुनते जाना, फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एफ एक्स और फिर एफ डैश एक्स प्लस इधर आ जाओ टू टाइम एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो जी डैश वन हो गया। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, एफ वन का वैल्यू वन है तो सुनना, यहाँ वन डालते ये एफ वन तो ये वन हुआ, फिर इस एफ को वापस वन मिला तो फिर एफ वन हुआ, तो ये फिर वन हुआ, तो एफ डैश वन हो गया कुल मिला के, फाइनली ये हो गया थ्री। सिमिलरली ये भी देखो एफ वन वन हो जाएगा, तो ये भी एफ डैश वन थ्री, ये भी एफ डैश वन थ्री प्लस टू टाइम वन इंटू थ्री, तीन तीन होती 27 प्लस के 6 आंसर आ गया 33। है कोई ऑप्शन, ये रहा जी बिल्कुल, समझ में आ रहा होगा, ये तो शायद इजीएस्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का। चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन देखो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस देन सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बड़ा आसान है, मॉड कब नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जब उसके अंदर जीरो बनता है, और अगर सारी टर्म लीनियर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर लीनियर टर्म है तो जहां जहां मॉड के अंदर जीरो बन रहा है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 का वैल्यू जीरो हो, एक तो तब, दूसरा जब ये वाला मॉड इसके अंदर कब जीरो बनेगा, जब एक्स माइनस 10 जीरो हो, सॉरी आइए देखिए, हाँ जी दूसरी बात मैं कह रहा था, ये अंदर वाला मॉड कब बनेगा, जब x माइनस 10 जीरो हो, तो यहाँ से मिला आपको x बराबर 10, तो एक तो 10 पे आएगी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। कारण क्या, देखो कोई लाइन है ऐसे, है ना, और ये x एक्सिस को ऐसे काटी, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन जीरो हो रही है ना, जैसे y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ है अगर ये, ax प्लस बी का ग्राफ है अगर ये, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ax प्लस बी जीरो होता है। अब जैसे मॉड लगाओगे ना, ये पोर्शन यहाँ से हट के यूँ चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, शार्प कॉर्नर। तो लाइन में जब भी मॉड लगता है तो जब भी उसके अंदर जीरो बन रहा है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगी। यहाँ आ जाओ, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 जो है वो 5 होना चाहिए, ठीक है भाई। और इसका मतलब एक्स माइनस 10 का वैल्यू प्लस माइनस 5 होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू हो गया 10 प्लस 5 15, 10 माइनस 5 5, तो कुल मिला के 5 10 और 15, ये वो तीन वैल्यू है जहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, फोर्थ। तो फोर्थ आंसर जो है आपका वो करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है, आर से आर में एक फंक्शन है, बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ सी जीरो है, जी एक्स बराबर है मॉड एफ एक्स, देन बताओ सी पे जी क्या होगा। देखो क्या है बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन ना कंटिन्यूस हो, ठीक है, तो मॉड लगाने से उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है। आइए देखिए, विचार करते हैं कुछ चीज़ों पे, है ना। खैर हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करनी है, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखो ग्राफ से इमेजिनेशन करोगे तो साफ साफ आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जैसे वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ये ऐसा ग्राफ होता है इसका, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मॉड लगा दोगे तो भी यही होगा, ठीक। अच्छा देखो, y बराबर एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ है यू, ठीक है। मैं ये इस पॉइंट पे फोकस करूंगा क्योंकि f ऑफ c जीरो है, मैं उस पॉइंट पे बात करनी है जहाँ इस फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है। ये इसका ग्राफ है, अगर आप y बराबर मॉड ऑफ एक्स क्यूब करोगे तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा यू, वाई इट इज चेंज ऐसे, और ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर बच्चों ऊपर आ जाएगा यू, तो ये ऐसा ग्राफ होगा, यही ऊपर आ जाना है। एक ग्राफ और देख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स, सिंपल ऐसा, जैसे मॉड लगाया तो वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, मॉड एक्स क्या बन जाना है यू और यू। अब सुनो देखो क्या है, हमें बोला गया है कि हमें एक तो पहली बार डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ एक्स, तो ये तीनों फंक्शन, ये वाला भी और ये वाला भी डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे जीरो पे सबकी वैल्यू जीरो हो रही है। अब मॉड लगाने के बाद भी क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, और रहेगा तो कब रहेगा, ये हमें देखना है। तो सुनो देखो, जैसे ये फंक्शन था, है ना, ये डिफरेंशिएबल था ना, तो
तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होगा। अब जैसे मान लो कि ये डेरिवेटिव जीरो नहीं है, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे वन है, जीरो पे इसका डेरिवेटिव क्या है, वन। तो जैसे आपने मोड लगाया ना, तो इधर वाला पोर्शन जो होता है वो तो एज इट इज है, तो उसका डेरिवेटिव तो वन ही है, लेकिन ये पोर्शन जो था नीचे वो ऊपर चला गया माइनस से मल्टीप्लाई होके, है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो भी माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस वन हो जाएगा। यानी एक तरफ माइनस वन हो जाएगा डेरिवेटिव, एक तरफ प्लस वन हो जाएगा, तो फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन देखो दूसरी तरफ, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसमें भी ग्राफ ऊपर गया है, लेकिन इसका डेरिवेटिव देखो जीरो पर क्या आएगा, जीरो। यानी एल एच डी भी जीरो है, आर एच डी भी जीरो है। अब जब आप गुणा करके इसको माइनस से इस वाले पोर्शन को ऊपर ले जाओगे, तो फिर डेरिवेटिव भी माइनस से गुणा होगा, लेकिन क्या है कि डेरिवेटिव जीरो है, तो आर एच डी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, पहले जैसा ही था, एल एच डी माइनस से गुणा हो गया, तो जीरो को माइनस से गुणा करने पर भी वो तो जीरो ही आएगा। तो अगर एफ सी जीरो है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ सी जीरो है और एफ डैश सी भी जीरो है, तो मोड लगाने पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो ही रहेगा, एल एच डी और आर एस डी, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ आंसर आपका सही हो गया, डिफरेंशिएबल होगा अगर एफ डैश सी जीरो हुआ तो, अगर एफ डैश सी जीरो नहीं हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल, तो गलत हो गया। बाकी सब ऑब्वियसली बात है, यहाँ तो वैसे भी सिंगल चॉइस आंसर ही आते हैं, तो आपका आंसर सही है फोर्थ। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन उन चीज़ों को अगर आप विजुलाइज करेंगे मोड लगाने से ग्राफ पे क्या इफेक्ट होता है, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, 27। देखिए देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बस एक फंक्शन है जीरो पे कंटिन्यूस है, पी क्यू बताने हैं आपने को, थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं अपने लिए, ये रख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। ऐसे देखो सिंपल कंटिन्यूटी की कंडीशन लगानी है, एल एच एल आर एच एल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, एल एच एल इससे आएगी देखो, तो अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं ऐसे, लिमिट x टेंस टू जीरो, समझना ध्यान से, साइन पी प्लस वन एक्स, है ना भाई, और प्लस के साइन x। अब इसमें x से डिवाइड करना है, तो दोनों पोर्शन को सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं इसे, यहाँ पी प्लस वन से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पी प्लस वन मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाले में। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, है ना, तो क्या वैल्यू होती है इसकी, p प्लस वन इंटू वन प्लस वन, कुल मिला के पी प्लस टू आ गया, तो एल एच एल आया p प्लस टू। आर एच एल क्या, वैल्यू क्या है, वैल्यू वैल्यू दी हुई है जीरो पे q है, आर एच एल आएगा इधर से, तो लिमिट x टेंस टू जीरो। देखो इसमें एक अच्छी बात यह है, अंडर रूट x को कॉमन लेके काट सकते हैं ऊपर नीचे, तो अंडर रूट x कॉमन लेके काटो तो ऐसे दिखाई देगा आपको, अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस वन प्लस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन प्लस एक्स पावर हाफ, तो आप समझ गए, वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू होती है एन, एंड इसका वैल्यू है हाफ, तो ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है क्यू का वैल्यू तो हाफ होना चाहिए, और पी का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, हाफ माइनस टू, यानी माइनस के थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू प्लस हाफ, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बड़ा आसान होता है कंटिन्यूटी में, सेम ही कंडीशन है हर क्वेश्चन में, एल एच एल आर एच एल और वैल्यू चेक कीजिए बराबर है या नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ भी क्या है, फाइव पे कंटिन्यूटी है, तो आ जाइए चेक कर लेते हैं भाई, फाइव पे कंटिन्यूटी है तो फाइव पे एल एच एल कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, इसमें फाइव डालो, ए मॉड पाई माइनस फाइव प्लस वन, ये बराबर होना चाहिए बी मॉड एक्स, यानी कि फाइव, फाइव माइनस पाई प्लस थ्री, देखो फाइव है ना पाई से बड़ा होता है, तो फाइव माइनस पाई पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड हट जाएगा, यहाँ पे फाइव माइनस पाई मिला आपको, इधर क्या है पाई माइनस फाइव है, तो मॉड हटेगा ना, तो ये माइनस से गुणा हो गया, ये भी फाइव माइनस पाई बनेगा, प्लस का वन हो गया, उसको इधर ले आओ, तो ए माइनस बी गुणा फाइव माइनस पाई, इस वन को सामने ले जाओ तो टू, तो आपका आंसर ए माइनस बी का वैल्यू हो गया दो बटे पाँच माइनस पाई, ये राजी। ओके तो बहुत आसान था, इतना सा देखना था कि पाई माइनस फाइव को मॉड हटा के क्या लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29, ये गिवन है डी वाई बाई डी एक्स निकाल के इससे कंपेयर करना है, तो वैसे तो देखो बहुत सीधे 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 सोच के भी आप निकाल सकते हो, है ना, कि एक्स पावर वन बाई थ्री है, पर चलो ऐसे कर ही लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, के इंटू एक्स पावर के माइनस वन
प्लस के इंटू वाई पावर के माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई टू द पावर के माइनस वन। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर वन माइनस के। और अब इसको कंपेयर कर लो यहाँ से, तो वन माइनस के का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, वन बाई थ्री। तो के का वैल्यू आ जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री यानी टू बाई थ्री। ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30, ये लिमिट बराबर है इसके, तो बताओ के का वैल्यू क्या होना चाहिए। चलिए बिल्कुल बता देते हैं। देखो पहले तो इस लिमिट को निकाल लो। इसमें आप ये वाला फंडा भी लगा सकते हो। देखो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का वैल्यू होता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। ओके, तो ये लिमिट अगर मैं यहाँ लगाऊँ देखो, तो ये बनेगा फोर इंटू वन टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि फोर बराबर होना चाहिए। अब इस साइड को देखो, इसको ना ऊपर नीचे डिवाइड कर लो बच्चों एक्स माइनस के से। ठीक है, देखो इसको यहाँ समझा देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू के है ना, और ये है ऐसे एक्स क्यूब माइनस के क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सीधे सीधे ऊपर नीचे एक्स माइनस के का भाग दे दो। अरे इतना सब क्यों कर रहे हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो ना, दैट्स ऑल। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो भाई, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 2x और लिमिट x टेंस टू k, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया 4 बराबर 3k बाई टू, तो ये k का वैल्यू हो गया 8 बाई थ्री, दैट्स ऑल। ये रहा आंसर। तो कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था, एल हॉस्पिटल रूल लगाना था आपको, सबसे आसान। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखो क्या है, इसको भी एल हॉस्पिटल रूल से निपटा देते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है ना, और सामने फाइव आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमिनेटर भी जीरो हो और ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाए। न्यूमिनेटर में अगर एक्स का वैल्यू वन डाले तो वन माइनस ए प्लस बी आता है, तो पहली बात तो ये जीरो होना चाहिए ताकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हो। नाउ यूज एल हॉस्पिटल रूल, एल एच रूल अगर आप यूज कर लो यहाँ पे, तो ऐसे बन गया लिमिट एक्स टेंस टू वन, नीचे तो हो गया डिफरेंशिएशन वन, ऊपर हो गया टू एक्स माइनस ए, सामने है पाँच। तो यानी बच्चों टू माइनस ए का वैल्यू पाँच है, यानी ए का वैल्यू माइनस तीन है। ए का वैल्यू माइनस तीन आप यहाँ डाल दो तो बी का वैल्यू माइनस चार है। आपको क्या बताना, ए प्लस बी वो माइनस सात है, सेकेंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करता है। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, नहीं भी है तो आप याद रखिएगा। जैसे इस तरह से होना कभी भी, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन, या जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, जीरो बाई एन प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस टू बाई एन प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री बाई एन। ऐसे करते करते बच्चों इनफाइनाइट नहीं, सॉरी, लास्ट टर्म है एक्स प्लस एन माइनस वन बाई एन। अगर ऐसे हो तो ये सम सीधे सीधे बराबर होता है बॉक्स ऑफ एन एक्स के, और ये ट्रू है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला मुझे पता है, इसकी हेल्प से हम इसको विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, राइट। और देखो कैसे कर सकते हैं, बट उसके लिए अंदर पॉजिटिव चीजें चाहिए मुझे, तो मैं यहां एक फॉर्मूला और यूज कर रहा हूं कि बॉक्स ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटर्न इफ दिस इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर दैट कैन बी रिटर्न माइनस वन माइनस बॉक्स एक्स, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो अपने पास किसी भी बॉक्स के अंदर जो टर्म है वो इंटीजर नहीं है, तो हर एक बॉक्स को मैं इस फॉर्मूले से लिखूं ना ऐसे, तो टोटल देखो 100 ब्रैकेट है मेरे पास, तो हर एक ब्रैकेट से माइनस वन अलग होगा, है ना, तो वो मिलके बन जाएगा माइनस 100। ठीक है, फिर सब में से माइनस कॉमन आएगा और मेरे पास बचेगा क्या, इस वाले में बचेगा बॉक्स ऑफ वन बाई थ्री, है ना, प्लस यहां से माइनस कॉमन ले चुके हैं, बॉक्स ऑफ वन बाई थ्री प्लस वन बाई हंड्रेड प्लस ऐसे करते करते वन बाई थ्री प्लस बॉक्स ऑफ 99/100, ये बन गया ऐसे। ओके बच्चों, आंसर आने की बारी। माइनस हंड्रेड माइनस बॉक्स ऑफ वन बाई थ्री इंटू हंड्रेड, बॉक्स ऑफ वन बाई थ्री
इंटू हंड्रेड, ये वाला फंडा लगा दिया हमने एन गुणा एक्स। यहाँ एन क्या है, एक्स क्या है, ये जो टर्म चल रही है यानी वन बाई थ्री, और एन क्या है, ये हंड्रेड। तो ये कितना हो गया 33 पॉइंट समथिंग, तो उसका बॉक्स हो गया 33, तो आपको मिला माइनस हंड्रेड माइनस 33, सो फाइनली यू गॉट माइनस 133, योर आंसर इज माइनस 133, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये आपकी मदद करेगा आगे भी कभी। 33 क्वेश्चन का आते हैं, एफ एक्स ये फंक्शन गिवन है, जी एक्स गिवन है, एफ एक्स अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा। देखो ध्यान से देखो यार, ये जो फंक्शन है ये अपना मैक्सिमम कब लेगा भाई, जब ये मिनिमम होगा, और मॉड का मिनिमम होता है जीरो, और ये जीरो कब बनेगा, जब एक्स का वैल्यू टू होगा यानी अल्फा की वैल्यू टू हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे, ये फंक्शन जो है जी एक्स अटेन मिनिमम वैल्यू एट बीटा, मॉड है मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, और ये कब होगी, जब एक्स का वैल्यू माइनस वन होगा यानी बीटा का वैल्यू माइनस वन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, माइनस अल्फा बीटा। तो यहाँ देखिए माइनस अल्फा बीटा करोगे तो दो आ जाएंगे, इसको गुणा करके माइनस से गुणा कर दो। फिर ये जो टर्म है इसको देखते हैं, एक्स माइनस वन, देखो इस टर्म के फैक्टर हो सकते हैं दो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, बिल्कुल क्या क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू। यहाँ जाते हैं, इस टर्म के भी दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू, और ये एक्स माइनस टू को कैंसिल आउट कर दो, बचे में अब आप लिमिट लगा दो, तो कितना आ गया देखो, टू माइनस वन हो गया वन, टू माइनस थ्री हो गया माइनस वन, टू माइनस फोर माइनस टू, आपका आंसर आ गया हाफ, ये रहा आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, तो बेहद आसान क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है लिमिट में उससे था। यहाँ आता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में लिमिट है, पहली बात तो मैं अंडर रूट हटाऊंगा, उसके लिए मैं करूँगा रैशनलाइजेशन, और मुझे ऐसे मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये तो एज इट इज रख लेता हूँ, एक्स प्लस टू साइन एक्स। इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स प्लस वन, और प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है बच्चों, सेम क्वांटिटी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे अंडर रूट हट जाएंगे और आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के टू साइन एक्स। ठीक है भाई, ये वन इस वन से कट जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस का एक्स, ऐसे बनाइए। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा, सुनना ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये टर्म तो क्या बन रही है, सारी मिला के टू, डालो एक्स की जगह जीरो, ये वन और ये वन टू बन रहा है, तो ये ना जीरो बन रही है ना इनफाइनाइट बन रही है, तो इससे कोई तकलीफ नहीं है, ये पोर्शन जीरो बाई जीरो फॉर्म बना रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, या सिंपली ऊपर नीचे एक्स का भाग दे दो, तो ऐसे बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। सुनना ध्यान से, वन प्लस टू टाइम साइन एक्स बाई एक्स, एक्स का भाग देंगे तो एक्स प्लस टू टाइम साइन एक्स बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लो, साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस का वन, और ये तो टू बन ही गया था। अब इसमें लिमिट डाल दो बच्चों, देखो क्या बनेगा, ऊपर वन प्लस टू ये इंटू टू साइड में, नीचे जैसे लिमिट लगाओ ये जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा टू, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन, तो थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गए, टू ही अपना आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सीधे सीधे एक्स टेंस टू जीरो डालोगे, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अभी अभी बताया था ना आपको क्या करना होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर, इसमें से वन घटा लो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e टू द पावर, देखो क्या आएगा, ये तो हो गया सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस के फोर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे खत्म, इसमें लिमिट डाल दो तो आपको मिला e की पावर माइनस फोर बाई टू यानी e पावर माइनस टू, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ। तो ये बेहद आसान सवाल है लिमिट के, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड है जो आपको क्लास में डायरेक्टली पढ़ाई जाती है। एक बार फिर से, अभी अभी थोड़ी देर पहले सेम यही क्वेश्चन हमने किया था, बस फर्क इतना था कि उसमें यहाँ पे p प्लस वन था, याद आया आपको, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ देखिए, इस x को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, लिमिट निकालेंगे ना, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन a प्लस टू एक्स अपॉन x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, ऐसे कर देंगे, LHL यहाँ से आ जाएगी, इसको a प्लस टू से गुणा कर देते हैं,
ए प्लस टू का यहाँ भाग दे देते हैं। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, आंसर हो गया यहाँ से ए प्लस टू प्लस वन यानी कि ए प्लस थ्री आ गई एल एच एल। ठीक है, वैल्यू कितनी है वो बी है, वैल्यू दी हुई है अपने को बी, और आर एच एल जो है वो हो गई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वही यहां से एक्स पावर वन बाय थ्री को कॉमन निकाल के काट देंगे तो बचेगा वन प्लस थ्री एक्स पावर वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, अब स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए क्या ये टर्म और ये टर्म सेम होनी चाहिए, तो ऐसे लिख देते हैं। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स, है ना, एक्स मतलब थ्री एक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया थ्री इंटू वन बाय थ्री, सो यू गॉट वन। अब ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, इसलिए बच्चों बी का वैल्यू वन है और ए का वैल्यू माइनस टू है, ये आ गया ए और बी, ए प्लस टू भी पूछा जीरो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स टेंस टू जीरो बॉक्स ऑफ, ठीक है, पहले तो देखो इसको निपटाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, इसको आप कॉमन सेंस से भी निपटा सकते हो बहुत इजीली। यार देखो 4 बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो मतलब 4 बाई एक्स विल टेंस टू इन्फिनिटी, यू नो दैट इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में किसी भी नंबर और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में पॉइंट्स का फर्क होता है केवल, है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वन से छोटा होता है, जीरो पॉइंट समथिंग इस तरह से होता है। बट जब आप दो इनफाइनाइटली लार्ज क्वांटिटीज का क्या बोलते हैं को कंपेयर कर रहे हो, उनका रेशो कंपेयर कर रहे हो, तो उस समय इतनी सी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी होना तो मैं बॉक्स x को x लिख लेता हूँ, उससे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो ये अंदर इन्फिनिटी बन रहा ना, बॉक्स हटा दो, x x कट के चार आंसर आ गया, नहीं तो ऐसे कर लो भाई, ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बाई एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4 बाई एक्स। ठीक है, अब ये हो गया कितना लिमिट x टेंस टू जीरो 4 माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4 बाई एक्स विच इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इंटू सम नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, सही है, 0 मल्टीप्लाई विद नंबर बिटवीन 0, यार एक तो ना 0 एंड 1, तो वो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा 4, तो ए का वैल्यू तो हो गया बच्चों 4। अब मुझे क्या करना, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ओके, ए का वैल्यू ऑप्शन में डालना, देखो यहाँ 4 डालोगे ये बन गया 2, यहाँ 4 डालो 5, यहाँ 4 डालो रूट 5, यहाँ 4 डालो 9 तो 3, ये हो गए। तो ये पूछ रहा है बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है इनमें से जहां पर ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो भाई ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब जब बॉक्स के अंदर इंटीजर बनेगा, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको बॉक्स में पुट करने पर इंटीजर आएगा अपने पास, ये मुझे देखना है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ एक और खास बात ये देखो, क्या होगा कि अगर मैं एक्स को इंटीजर लेता हूँ, इफ़ एक्स इज एन इंटीजर, तो ये टर्म जीरो बन जाएगी ना, साइन पाई जीरो हो जाएगा, सुनना ध्यान से, और इंटीजर के दाएं बाएं ये अलग अलग वैल्यू देगा, मतलब बॉक्स आप जानते हो जैसे इंटीजर एन के लेफ्ट में एन माइनस वन बन जाता है और राइट में एन बन जाता है, लेकिन अगर साथ ही ये जीरो से गुणा हो जाए तो फिर एन माइनस वन गुणा जीरो भी जीरो बन जाता है और एन गुणा जीरो भी जीरो बन जाता है, यानी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, देखो ये डिसकंटिन्यूस तब होगा जब ये अंदर इंटीजर बने, यानी एक्स स्क्वायर इंटीजर हो, लेकिन ये चीज़ जीरो ना बने, इसको जीरो बनने से रोकना है तो एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स इंटीजर हो गया तो पाई के इंटीजर मल्टीपल पे साइन भी जीरो हो जाता है। तब इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मतलब खुद इंटीजर नहीं है लेकिन उसका स्क्वायर इंटीजर है, तो यही आंसर सही है था, रूट फाइव इंटीजर नहीं है लेकिन उसका स्क्वायर इंटीजर है, तो ऐसा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 38, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, खत्म करो कि सर लिमिट एक्स टेंस टू टू क्या करेगा, 3 की पावर एक्स लॉग 3, लॉग 3 सब में आएगा तो मैं उसको कॉमन लेके बाहर लिख देता हूँ ऐसे, फिर इसका करेंगे ना तो आएगा 3 की पावर 3 माइनस एक्स इंटू लॉग 3, और 3 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1, माइनस 12 का 0 हो गया, नीचे आ जाओ 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू लॉग 3, और माइनस एक्स बाई 2 का हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है भाई, माइनस 3 की पावर 1 माइनस एक्स इंटू लॉग 3, और इसका करेंगे तो माइनस 1 जो इसको प्लस बना देगा ऐसे, ये लॉग 3 से तो लॉग 3 कैंसिल हो गए, इसमें लिमिट लगा दो, 3 की पावर 2 करोगे 9 हो गया, 3 माइनस के तो माइनस के 3,
यहाँ दो पुट करो तो 1/3 माइनस 1/2 तो माइनस का 1/6 और यहाँ टू पुट करोगे तो प्लस का 1/3। तो ये कैलकुलेशन करो आप, 6 तो ये हो गए, ये कितना हो गया 3 और 2 ये हो गया 1/6, तो ये आंसर आना चाहिए 36 है 36। अच्छा ये तो उस तरह का ऑप्शन है इंटीजर आंसर टाइप, तो बिल्कुल इसका आंसर कितना है बच्चों 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 लेट एस डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अभी अभी समझाया था मैंने आपको कि बॉक्स में जब भी लीनियर टर्म है तो वो जहाँ भी अंदर जीरो बनेगा तो जीरो वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। तो इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कब आएगी, जब 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 का वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि भैया x माइनस 3 का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाए, यानी x का वैल्यू हो गया 1 और माइनस 5, मतलब 3 और 2 प्लस 5 और 1, मतलब मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 और 5। दूसरी बात, ये भी तो मॉड में है ना x माइनस 3, तो एक वैल्यू और मिल गई x बराबर 3। ये तीन पॉइंट है जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। अब इन पॉइंट पे आपको f ऑफ fx की वैल्यू निकाल के ऐड करनी है, यानी बेसिकली आपको f ऑफ f1 निकालना है, ठीक है, ये कितना होगा, आपको f ऑफ f3 निकालना है, f ऑफ f5 निकालना है और फिर इन सबको ऐड कर देना है। आ जाओ मेरे साथ, f ऑफ 1 कितना होगा, डालो इसमें 1, 3 में से 1 गया तो 2। अच्छा रुको, इसमें भी क्या सोचना, अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 0 आएगा f ऑफ 1, तो ये 0 यहाँ आया, तो ये हो गया f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 कितना होगा, हाँ ये निकाल लेते हैं, 3, 2, 1 आएगा भाई। डिफरेंस देखना, जल्दी जल्दी देख सकते हो। f ऑफ 3 लेंगे, अगर आप x का वैल्यू 3 लोगे तो ये चीज़ 0 बनेगी और ये बनेगा 2, तो ये बना f ऑफ 2। और f ऑफ 2 कितना आया, वापस से इसी में डाल दो, 2 माइनस 3 1, डॉट 2 का और 1 का डिफरेंस हो गया 1, कमाल है, सब 1 आ रहे हैं शायद, है ना। f ऑफ 5 कितना आएगा, वही 0 और ये आएगा 1, तो आपका आंसर हो गया 3, इन सबको ऐड करोगे तो। ओके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 इफ द फंक्शन डिफाइन बाय दिस वेयर दिस इज कंटिन्यूअस देन k इज इक्वल टू, कंटिन्यूअस है बताओ k क्या होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू जो है बच्चों वो लिमिट के बराबर होनी चाहिए, यानी k का वैल्यू होगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x और ln 1+3x अपॉन 1-2x। तो ये लिमिट कैलकुलेट कर लो, देखो इसको कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लिमिट x टेंस टू 0 इसको ऐसे लिख दें कि log ऑफ 1+3x माइनस log ऑफ 1-2x, सही है। और इस x से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ऐसे, सुनते जाना ध्यान से। यहाँ 3 लगा के यहाँ 3 लगा दिया, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है, log 1+t/t 1 होता है भाई। ऐसे ही यहाँ चूंकि -2x है ना, ये x लगाया था सॉरी यहाँ पे, है ना, -2x ना, तो यहाँ -2x होना चाहिए, तो यहाँ -2 लिखा और यहाँ भी -2 कर दिया ऐसे। अब ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी 1 हो गई, तो आपका आंसर हो गया सीधे सीधे 3+2 बोले तो 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 5, दैट्स ऑल। तो बच्चों ये डिस्कशन था जेई मेन के 2019-20 के उन क्वेश्चन का जो लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है। अगले पार्ट में हम और किसी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।